एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में स्थित सुरला गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने प्रेमपाल को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2200 की आबादी एवं 1475 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 300 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 233 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 हैंडपंप रिपोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 70 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 74 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने 20 सीसी टाइल्स रोड, 15 खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 225 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान प्रेमपाल, ग्राम पंचायत सुरला, न्याय पंचायत भी सुरला है। ये हमारा ग्राम पंचायत ही नहीं, ये न्याय पंचायत है हमारा सुरला में। ग्राम पंचायत से भी ज़्यादा गिरा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सरकार हमारे लिए पूरी अधिकार ना दे रही है और अधिकार भी नहीं दे रही है, और जो कह रही है वो भी नहीं कर पा रही है भैया हमारे लिए। इस वजह से हमारे पास ज़्यादा समस्याएं हैं। हमारे और भी कई ऐसी बातें हैं, और हमने काम खैर काफ़ी काम भी कराए हैं गांव में, काम भी कई काम का नाम बता दें, काम कराए हैं। 5 सीसी डलवा दिए और 2 नए खरंजे भी डलवा दिए, 2-3 खरंजे की मरम्मत भी करा दी, पंचायत घर की मरम्मत कराई है, 2-3 नाले बना, 2 नाले बनवा दिए हैं। सबसे मेन समस्या प्रधानों के सामने ये आ रही है कि जो प्रधानों के अधिकार हैं वो सब छीन लिए जा रहे हैं, उन अधिकारों के लिए वापस दिलवाया जाए, जिससे कि प्रधान एक राजनीति की प्रथम श्रेणी है। राजनीति चलती है वो प्रधानों के बल से चल रही है। प्रधान पहली श्रेणी है और उसके लिए इतना अपमानित किया जा रहा है कि हर अधिकार उसके छीन लिए, कोई उसके पास अधिकार नहीं रह रहा। सबसे बड़ी समस्या यही है। गांव के लिए भी कई काम है हमारे होने के लिए, जैसे हमारा शमशान भूमि है, मैंने बाउंड्री वॉल के लिए खोला था, मेरा वो भी नहीं हो पा रहा है। जूनियर स्कूल है, उसकी भी बाउंड्री होने को पड़ी है, और भी सीसी है हमारे, खरंजे भी काफ़ी जर्जर हो रहे हैं भाई। हमारे लिए इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जिससे कि हम गांव का कुछ सुधार करें। गांव वाले बोल रहे हैं कि अच्छा प्रधान बना है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। एक शौचालय तक कभी नहीं आया है हमारे गांव में, आज की तारीख में एक शौचालय नहीं आया, 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं। तो बताओ, एक पेंशन नहीं बनी हमारे गांव की, फार्म भी कई हमने दे दिए, 8-2.5 साल होने जा रही हैं, एक पेंशन ना विधवा बनी है ना 60 साला बनी है, चक्कर काट रहे हैं, नहीं हो पा रही। तो मैं सबसे बस मेरी बार बार यही कहना है कि जो प्रधान के अधिकार हैं वो वापस की दिए जाए।